they are taking your science class. And in previous video we were discussing the types of permanent tissue and sub type of the simple permanent tissue. And next topic is our types of the permanent tissue and sub type of simple permanent tissue. We number colon chyma tissues. Actually, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ द सेल्स एंड दे आर हैव सेम फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चरल कंपोजिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सब डिवीजन ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्स्ट टिश्यू इज अ पैरेन्काइमा. दिस टिश्यू हैव मोर मॉलिक्यूल मोर इंटरस्पेस बिटवीन द पैरेन्काइमा टिश्यू बट इन द कोलेनकाइमा टिश्यू हैव लेस स्पेस इन द कोलेनकाइमा टिश्यूज. It is the thickening of the corner and these corner are fulfilled of pectin and cellulose. These corner are fulfilled of pectin and cellulose and have a less space between these tissue. जो ये olenchyma tissue हैं उनके बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है दो टिश्यू की कंजुगेशन से वो बहुत कम रहता है एज कंपेरिजन टू पैरेन्काइमा टिश्यू. और इनकी जो थिकनिंग ऑफ वॉल्स होती है जो साइड्स के किनारे होते हैं उनमें पेक्टिन और सेलुलोज क्या होता है फिल रहता है भरा हुआ रहता है. दीज टिश्यूज आर elongated and they have support to the inner side of the tissue. These tissues are found in the epidermis and they have found in a petiole of the nail. Petiole is the part of the between leaves and stem. This is a petiole where leaves are attached to the stem is called a petiole. This is petiole. Petiole क्या है कि जहां से leaves stem के साथ जुड़ते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं उस पार्ट को पेटोयल बोलते हैं. मिडरम ऑफ द लीव्स जो एक बेंस होती है थिक बेंस होती है लीव्स के बीच में उसको मिडरम कहते हैं. मिडरम ऑफ द लीव्स आर कंसिस्ट ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू एंड फाउंड इन द एपिडर्मिस टिश्यू. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोलेनकाइमा टिश्यू इन द प्लांट. What is the function of the colenchyma tissue? Colenchyma tissue provide tensile and rigidity. Means lazulapan or rigidity. मतलब hardness provide to the plant. This is the function of the colenchyma tissue. And second function is the colenchyma provides elasticity to the plant organs and due to in the environmental force they have saved the plants. And next function is the they have the elasticity of the leaves and stems and each so on the basis of this function plants do not break
लिव्स डू नॉट पे एंड दिस टिश्यू स्टोर द फूड मटेरियल्स बिकॉज दिस टिश्यू आर बीइंग अलाइव. फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन ये है कि ये जो है टेंसाइल और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि लचीलापन होता है पेड़ों में. आप देखते हैं कि पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं या पत्ते होते हैं, आप उनको फोल्ड करते हैं और वो क्या करते हैं अपने जो उनकी फर्स्ट पोजीशन होती है, जो उनका पहले से एक शेप होता है, उस शेप में दोबारा फिर से चली जाती है. तो ये क्या करते हैं कि जो लीव्स होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उनको क्या प्रोवाइड करती है? टेक्सटाइल और रिजिडिटी. सेकेंड है, ये टिश्यू क्या होते हैं? एलाइव टिश्यू होते हैं और ये टिश्यू जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं. नेक्स्ट क्या है कि लीव्स और जो आपके स्टेम्स होती हैं उनमें ये इलास्टिसिटी की का एक फंक्शन पाया जाता है. जो एनवायरमेंटल फोर्स होते हैं, अगर तेज हवा चलती है, स्टोर्म्स वगैरह आते हैं, तो क्या होते हैं प्लांट एकदम झुक जाते हैं, पर प्लांट क्या होते हैं टूटते नहीं है. मतलब बहुत ज़्यादा अगर तेज आंधी आ रही है, स्टोर्म्स आ रहे हैं, तो उस पर टूट जाते हैं. लेकिन एक नॉर्मल जो विंड होती है, जो हवा बहती है, उस पर क्या होता है कि पत्तियाँ झुक जाएंगी, टहनियाँ झुक जाएंगी, पर क्या होता है इजली वो ब्रेक डाउन नहीं होते. ये पॉलीप्लाइमा टिश्यू का सबसे मेन फंक्शन है कि उनमें जो लचीलापन है पेड़ों में, पत्तियों में, स्टेम्स में, रूट्स में, वो पॉलीप्लाइमा टिश्यू के से ही है. डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ये इस एपिडर्मिस लेयर होती है प्लांट की, उसके पीछे ये पॉलीप्लाइमा टिश्यू पाए जाते हैं. एपिडर्मिस लेयर क्या होती है? अपर पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू और स्किन्स. एपिडर्मिस सेल्स, एपिडर्मिस टिश्यू आर फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट बोथ ऑल्सो. तो एपिडर्मिस के बाद जो होती है टिश्यू की लेयर, वो पॉलीप्लाइमा टिश्यू होती है. सेकंड है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन, जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जो मेन पेटाइल होता है, पेटाइल प्लांट लीव्स और स्टेम के बीच वाला भाग होता है जहाँ से वो जुड़ा रहता है. इसके बाद जो लीव्स होती है, लीव्स की जो मिडरिप होती है, मिडरिप मतलब कि जो उसके बीज का पार्ट होता है. सपोज अगर ये लीव्स हैं, इस लीव का जो बीज का पार्ट है ये मिडरिप कहलाता है, ठीक है. और इस मिडरिप की क्या होती है? पॉलीप्लाइमा टिश्यू पाई जाती है. तो लीव्स क्या होता है, अगर हम लीव्स को फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, वो ईजिली टूटती नहीं है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है. और वो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है? पॉलीप्लाइमा टिश्यू की वजह से होती है. तो इस तरह देखते हैं, ये फंक्शन था पॉलीप्लाइमा टिश्यू का, कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और कैसे होते हैं ये. इलोंगेटेड होते हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, इनमें सेलुलोज और पेक्टिन हुआ मतलब पेन होता है, जिससे ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है. ये डायग्राम है पॉलीप्लाइमा टिश्यू के, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे. ल्यूमिन ऑफ द वैक्यूल्स, ये जो पार्ट है ये ल्यूमिन ऑफ द वैक्यूल्स है. ये जो पार्ट है जो डैश डैश और स्क्वायर पे है, इसमें सेलुलोज और पेक्टिन है जो केमिकल सब्सटेंस है, वो फिल रहते हैं. और इधर एक सेक्शन है जो इंटरसेक्शन है, क्या कहते हैं उसमें भी क्या है, थिकेस्ट कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन. उसमें भी सेलुलोज और पेक्टिन क्या होता है, भरा हुआ होता है. पॉलीप्लाइमा टिश्यू जो होते हैं मोस्टली मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स में और लीव्स में पाया जाता है. सॉरी, जो पॉलीप्लाइमा टिश्यू होते हैं वो जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट के स्टेम्स और लीव्स में पाया जाता है. और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मोनोकॉट प्लांट में नहीं होता है. ये एक इनका सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ डाइकॉट प्लांट के स्टेम्स और लीव्स में पाए जाते हैं, ये मोनोकॉट प्लांट के स्टेम्स और लीव्स में नहीं पाई जाती है. ये जो है ये ट्रांसवर्सल सेक्शन है डाइकॉट प्लांट का, जो आपको दिख रहा है इस फिगर्स में. और ये जो अपर लेयर जो होती है एपिडर्मिस, वो आपको मैं शो कर दे रहा हूँ. ये एक अपर लेयर होती है एपिडर्मिस की, जिसके नीचे क्या है, ये जो है ये पॉलीप्लाइमा टिश्यू है. ये क्या टिश्यू है? ये एपिडर्मिस लेयर है. ये फर्स्ट लेयर क्या है? ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है. और एपिडर्मिस के नीचे क्या है?
ये पॉलेंकाइमा, ये जो ये पूरा जो पार्ट है वो क्या है, वो पॉलेंकाइमा टिश्यू है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू और हम भी डिस्कशन करेंगे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के बारे में। अनदर टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू इज द स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा इज अ डेड टिश्यू फाउंड इन द प्लांट्स and it is the upper part of the epidermis, because these tissue are consist of the dead cells. When the meristematic tissue found the loss of ability of division and they form the another types of the स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू क्या है? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो है वो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवीजन की कैपेसिटी क्या कर देती है, लॉस कर देती है और परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो डेड सेल्स का ग्रुप होता है वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू होता है। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो है इनके इनका जो शेप होता है वो स्ट्रिक्ट शेप होता है, बीच में जो होता है लिग्निफाइड थिक सेल वॉल होती है इनकी और नैरो ल्यूमिन होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू एंड हैव अ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एंड अ वैक्यूल। एवरी टिश्यू एवरी सेल्स हैव अ दीज थ्री ऑर्गेनल्स इन साइड ऑफ द सेल्स। सो it is not a another part of the cells or a tissue. Come any tissue, any cells have the nucleus, have a cytoplasm, have a vacuoles, because these are the lock of the plant tissue, and we are going to discussion of the plant tissue. What is the distribution of the plant tissue? The scleroderma tissue are found in the veins of the leaves. What is the veins of the leaves? This is the structure of leaves, and this is the midrib, and this is the veins. This is the veins. तो जो leaves की जो veins हैं, वो क्या होती हैं? वो scleroderma tissue की बनी हुई होती हैं। ये इनका इक्वली और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीव्स में। जो आप लीव्स देखते होंगे तो लीव्स में क्या है, एक जो बीज का पार्ट होता है वो मिडरब में रहता है। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट मिडरब है। मिडरब से क्या होती है, बहुत सारी वेन्स होती है वो निकली हुई होती है, ठीक है। तो वो ही क्या है, ये लीव्स की वेन्स है, और लीव्स की वेन्स किसकी बनी हुई होती है? लीव्स की वेन्स है वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है कि जो अपर पार्ट होता है प्लांट का वो भी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। अपर पार्ट मीन्स जो बार होती है, जो छाल होती है प्लांट की, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की बनी हुई होती है। क्योंकि तो क्या होता है, वो डेड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, वो प्लांट का डेड पार्ट होता है। फिर जो नट्स होते हैं, वो नट्स के जो हस्क होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की बने हुए होते हैं। कोकोनट जो होता है, कोकोनट का जो ऊपरी पार्ट होता है जिसको हस्क बोलते हैं, ठीक है, या जटा होते हैं जो निकली हुई होती है, वो क्या होती है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की बनी हुई होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का फंक्शन ये है कि ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड जो फंक्शन है वो क्या है कि जो एनवायरमेंटल फोर्सेज होते हैं, जैसे स्ट्रोम हुआ, ठीक है, विंड हुई, उससे भी क्या करता है, प्लांट्स की सुरक्षा करता है, उसको सेव रखता है। फिर क्या है, जो भी नट्स हैं, बॉल नट्स हैं या अदर टाइप्स के नट्स हैं, उनका जो अपर पार्ट होता है वो भी क्या होता है, वो भी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। तो ये टॉपिक था, और जो था परमानेंट टिश्यू, फर्स्ट इसका जो टाइप था वो सिंपल परमानेंट टिश्यू था। हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि
पैरेंट टाइमर क्या है, कॉलेज टाइमर क्या है, स्टूडेंट टाइमर क्या है, क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब हम लोगों ने क्या किया, डिस्कशन किया है इस टॉपिक के बारे में। जो अनदर टॉपिक होगा वो होगा आपका प्रोडक्टिव प्लांट टिश्यू, और इस टॉपिक के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय बाय।